मेरे सारे हिंदुओं, ये बात जान लीजिए आप सब, अब की बार घर से निकलना ही पड़ेगा और हमको किसी भी हालत लड़के अपना वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों का जो जुल्म अपने पर हो रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई भी चाल करने दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सुबह से हर बूथ फिर रही हूँ, हर जगह आपको न्याय दिलाकर ही रहूंगी। निकलिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए, ये हमारा हक है। वोट डालना ही पड़ेगा। और सिर्फ अभी तक 9% ही बाहर निकले हुए लोग, और उसमें ज्यादा अपने लोग नहीं निकले हैं। निकलिए, बाहर निकलिए, न्याय दिलाइए खुद को और हमको भी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी। हमको आपका इंतजार है, आपके इंतजार में हम हर बूथ पे फिर रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हमको बता दीजिए, हम वहां पे आ जाएंगे। लेकिन घर से निकलिए, जीत की झंडा लहराना ही पड़ेगा हमको। Now go file a case. This is going beyond the limit. Police bedirinchi voters ni pampichestunnaru. They are not letting voters vote. And they are kavalani delay chesestunnaru. Vote veyaniyatledu. Jail ki pampistamani bedirustunnaru lopala. Voter ID chupichina vote undayya ani adugutunte em maatladaniki ledhu, nenu cheppin choda santakam pettu lekapothe jail ki pampista antunnaru voters. Evaru jail ki evaru pampistaru memu chustam. एक बार आप चेक कर लीजिए, बहुत देर ठहर रहे आप इधर, बूथ यहाँ का है, एक बार चेक कर लीजिए अम्मा प्लीज। कृपया करके इतने देर रहने के बाद मायूसी मिलेगी आपको। कुछ भी अगर चेंज है तो वहाँ पर जीएचएमसी का ऑफिसर रहता, लेडी रहती, एक बार आप हाँ ये नहीं कैरी करना अम्मा, पार्टी के लिए आप मार दो, फिर भी यहीं तक कैरी करो आप, आपके अच्छे के लिए। मैडम आपको जो दूर अभी वो जो सीधा साधा जाके